वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आतिफ असलम और आसिम अज़हर का सीमे साहौर में कॉन्सर्ट था जिसमें मैं पहले तो नहीं जा रहा था क्योंकि मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स वर मिसिंग आउट, क्योंकि कुछ के बैचेस के वाइवर्स थे, ऑस्पीस थी अगले दिन, या कुछ घर गए हुए थे, इस वजह से एवरीवन वाज मिसिंग आउट। तो कॉन्सर्ट वाले दिन ही 4 बजे मेरी किसी तरह टिकट अरेंज हो गई और मैं अपने जूनियर्स के साथ चला गया। तो मैंने सोचा कॉन्सर्ट में मैं तो जा रहा हूँ, लेट्स टेक यू गाइस टू द कॉन्सर्ट एज़ वेल। सो एंजॉय द व्लॉग। हम CMS के गेट पे पहुंचे तो सबसे पहले तो कोई टिकट्स का इशू था। वो सीरियल नंबर नहीं है, जिससे हमने टिकट ली है ना वो आगे वेरीफाई करेगा। टिकट का ब्लैक में लिया? नहीं नहीं, एक प्रिंट सस्ती तो है। सस्ती तो है वैसे, हाँ हो भी सकते हैं। दिखा यहाँ पे एक सीरियल नंबर है, इसको स्क्रैच वगैरह तो नहीं? नहीं कुछ भी नहीं है। 20 मिनट कॉलेज के गेट पे वेट करने के बाद वो इंसान जिसने टिकट्स वेरीफाई करनी थी आई और हम कॉलेज के अंदर एंटर हुए। इमेज ओलंपियाड काफ़ी दिनों से चल रहा था, इसलिए कॉलेज की मैनेजमेंट ने लाइट्स और पोस्टर्स से कॉलेज के डिफरेंट पार्ट्स को बड़ा अच्छा डेकोरेट कर रखा था। वैसे इस कॉन्सर्ट पे मेरी एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, फिर थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट देखने में आई। आई मीन इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे, उन्होंने लिटरली स्कूल असेंबली की तरह उनको रो में खड़ा किया हुआ था और एक ही वॉक थ्रू गेट था जिसे सबने पास करना था। इतनी लंबी लाइंस में टाइम वेस्ट करने के बाद आगे गए तो वहाँ 2 और लाइंस बनी हुई थी। पहले वाली लाइन में तो सिक्योरिटी चेक था, लेकिन ये वाली लाइन में वो आपसे टिकट्स लेके आपके हाथ पे ये वाली स्टैम्प लगा रहे थे। ग्राउंड में स्टेज से पहले बहुत सारे स्पॉन्सर्ड फूड स्टॉल्स थे। डिफरेंट ब्रांड्स के स्पॉन्सर्ड फूड स्टॉल्स हैं और ये कॉन्सर्ट का स्टेज है। मुझे आइडिया था कि बाद में रश हो जाना है, इसलिए मैं पहले ही स्टेज के सामने जाके खड़ा हो गया। होस्ट बड़ा अनोइंग बंदा था। स्टार्ट में लम्स और CMS की म्यूजिक सोसाइटीज के सिंगर्स ने परफॉर्म किया। All right. In due time. First, you have to suffer us, then you have to get to the prize. फिर countdown के बाद आसिम अज़हर का time start हुआ। Sing it.
बाद में सबवे गया और वहां से ठंडा सैंडविच पकड़ा।
कुछ लोग पीछे ब्लीचर्स पर भी बैठे थे, लेकिन वहां पे सिंगर तो दूर, सही तरह स्टेज भी नहीं नजर आ रहा। Thank you very much for listening to my music all these years and being my friend. Thank you very much. Once again. बाकी पूरा कॉन्सर्ट एक तरफ, लेकिन जब आतिफ असलम आए तब इस कॉन्सर्ट की वाइब ही अपनी थी। फाइनली 5 घंटों बाद ये कॉन्सर्ट खत्म हुआ और सब अपने घरों की तरफ वापस जाने लगे। तो एंड में मेरे फोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं ज्यादा शूट कर नहीं सका उसके बाद। एंड आई वाज रियली अमेज्ड टू सी कि वहां पर मुझे कोई 20 से 25 लोग मिले जो कि मुझे जानते थे। आई मीन अपने कॉलेज में तो ऑब्वियसली बात है सारे देखते होंगे ब्लॉग, बट दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में उस कॉन्सर्ट में ऑलमोस्ट पूरे लाहौर के सारे मेडिकल कॉलेजेस के लोग ही आए हुए थे, और ज्यादातर तो ऑब्वियसली CMH के अपने स्टूडेंट्स थे, बट उनमें से भी कुछ लोग जानते थे। दैट वाज अ बिग ऑनर फॉर मी। थैंक यू सो मच गाइस यार, आप इतना ब्लॉग सो प्यार देते हो एंड एवरीथिंग। एंड हैट्स ऑफ टू द CMH की आर्ट्स एंड ड्रामेटिक्स की सोसाइटी जिसने ये सब अरेंज किया था, उनकी सबकी मैनेजमेंट। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट तो हो ही जाती है जब इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हों, बट दे अरेंज इट रियली वेल। आई रियली लाइक्ड इट एंड एवरीवन रियली एंजॉयड। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप supporting, and thank you so much for watching. See you in the next one.